प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं वर्ग षष्ठम अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द का रूप पुनरावृत्ति कराऊंगा और यह SA1 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी होगा। आइए हम लोग इसको प्रारंभ करते हैं। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचनम बालक, द्विवचनम बालको, बहुवचनम बालका। द्वितीया विभक्ति एक वचनम बालकम, द्विवचनम बालको, बहुवचनम बालकान। तृतीया विभक्ति एक वचनम बालकेन, द्विवचनम बालकाभ्याम, बहुवचनम बालकै। चतुर्थी विभक्ति एक वचनम बालकाय, द्विवचनम बालकाभ्याम, बहुवचनम बालकेभ्य। पंचमी विभक्ति एक वचनम बालकात्, द्विवचनम बालकाभ्याम, बहुवचनम बालकेभ्य। षष्ठी विभक्ति एक वचनम बालकस्य, द्विवचनम बालकयो, बहुवचनम बालकानाम। सप्तमी विभक्ति एक वचनम बालके, द्विवचनम बालकयो, बहुवचनम बालकेषु। संबोधन एक वचनम हे बालक, द्विवचनम हे बालको, बहुवचनम हे बालका। अब इसका रूप हम एक साथ पढ़ेंगे, बालक बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकानाम, बालके बालकयो बालकेषु। हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। इसे आप अच्छी तरह याद करेंगे, यह SA1 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इति